तो हेलो आईडी गैंग, आपका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं नीला दानव म्यूजिक का सबसे बड़ा दीवाल यानी 24 बेस चेक करने। इस व्लॉग में मैंने अपनी 100% पूरी कोशिश की है कि ये व्लॉग ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रो लगे। तो मैं जब इतना संघर्ष कर सकता हूँ तो आप भी हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर सकते हैं। और आपको मेरे से ज्यादा जुड़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्या ना, बड़े सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। देख रहे हो, इसको देख के चलाता है। साले ये क्रेन वाला बगल से गुजरा, लेकिन यहाँ पर जो फाटक टूटा हुआ है जिसकी वजह से भीड़ लगा है उसको हटा नहीं सका। अरे कम से कम एक गाड़ी निकले रहा है, कैसे नहीं बनाती समझ। सब आग आगे कार बनाते यार। चैनल डीजे राज आईडी ला, आप मन सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन ला जरूर दबाऊ। और कितना भी नया गाना रही, सबसे पहले तुम्हारे और एक बार प्रीव्यू देखते हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ, पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बहुत खतरनाक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो है हमारे राइट पे। ये है एक साउंड का बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो आज बजने वाला है, इसको हम लोग सुनने वाले हैं। और यहाँ पर लगभग बहुत सारे प्रो डीजे जितने भी हैं हमारे, सबके सब यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर लाइटिंग है, हमारे पास 16 RC है। और यहाँ आइए, आज आपको और दिखाते हैं कि आज आप क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे। ये हमारा 62 KVA का डीजी महिंद्रा का। और यहाँ पर 407 के ग्लोस्कर का 85 KVA डीजी। पावर की कमी नहीं होगी। और यहाँ पर क्या सीन हो रहे हैं अभी हम लोग बताते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत ही सेलेक्ट डीजे, यहाँ पर हमारे डीजे गोल टू, यहाँ पर रवि अभनपुर, बहुत सारे भाई लोग हैं। ये है टीम नंबर 1 जो बैठे हैं और सामने साउंड सुनने के लिए रेडी। और यहाँ पर हमारे किलेश भैया जो सारथी लोग को चेक कर रहे हैं। तो सारपी ऐसे चलाना, हाथ से चलाना ही ज्यादा पसंद करते हैं भैया। वैसे सारपी कितना भी सारपी चलने वाला है, 101 सारपी। हाँ, और यहाँ पर है हमारे राज लाइट कांकेर, और लाइट के बारे में ये बहुत अच्छा बताएंगे। और एक सेकंड, नहीं, नहीं, नहीं। अपना मुंह निकाल के कैमरा देख के शर्माते हैं भैया। बेसिक डिटेल्स हो जाए, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये 24 सिंगल बेस है और 8 लाइनर है और 6 टॉप। पूरा प्रोडक्ट जो है हमारी फैक्ट्री देव ऑडियो प्रोफेशनल के अंदर बना हुआ है। स्पीकर भी हमारे, मतलब एक कंपनी है जो कि हमारे लिए बनाती है, वो भी हमारे अपनी है। तो ये पूरा पहाड़ जो आप देख रहे हैं साउंड का, ये हमारी फैक्ट्री में तैयार हुआ है। ये कवर से लेके सब चीज़, ग्रिल भी कस्टमाइज है, जितने भी ग्रिल इसमें लगे हुए सब हमारे हिसाब से बनवाए गए हैं। एकदम शानदार पेन, मतलब सेंटेक्स पेन, एकदम ओरिजिनल, बहुत ही ओरिजिनल पेन के साथ। इनके साउंड क्वालिटी कैबिनेट और स्पीकर्स में इनकी कोई भी इनकी माइनस तो होने वाला नहीं है, और सब आपस में कनेक्शन हो ही रहे। तो कैसा लग रहा है अभी साउंड मॉन्स्टर इनके यहाँ पर, लगभग इतना हैवी साउंड अभी तक तो सुने नहीं है पहली बार। तो लॉकडाउन के बाद से तो पूरा भी चेंज हो गया। ये मोर सगनाओं में कुछ बोलना चाहबे? कौन कौन सगनाओं में जी, फिर होते ये कावर होते समय को व्यर्थ ना करते हुए बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले इसमें जो वायर्स लगे हुए हैं, एंकर कंपनी के 6 NM के वायर इसमें यूज़ किए गए हैं। 16 एम्पियर का ये हैवी लगा हुआ है, 32 एम्पियर का आपको हैवर्स कंपनी का आप देख सकते हैं। हैवर्स कंपनी का आपको LCD देखने मिलेगा, एक वोल्ट मीटर देखने मिलेगा, और आपको ये 2 इंडिकेटर आपको दिखाई देंगे। इसमें ये 2 तरीके का ऑप्शन है, एक इनपुट का भी है, और आप अगर इसमें एक और बोर्ड एड करना चाहें तो आउटपुट का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। और ये सभी प्रोडक्ट मिलेंगे आपको देव कैबिनेट एंड साउंड में, जिसको आप इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, आराध्य देव प्रो, देव ऑडियो प्रोफेशनल। और बस चालू हो गया। लगभग मेरा हाइट है लगभग 6 फीट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हाइट है मेरे जैसे। यहाँ पर लगभग 3 और आ सकते हैं, 3 नहीं तो कम से कम 2 तो आ ही सकते हैं। और बहुत जल्दी सुनते हैं अभी ये साउंड और दिखाते हैं आपको लाइव। हाँ,